ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ अपने वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे, और जिस प्राज्ञ को ये उत्कृष्ट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करूं, उसे मद ब्रह्म में ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अहंकार पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण जन्म और भोजन शयन आदि भोग से सर्वथा रहित स्वप्रकाश निराकार सदा निरतिशय नित्य आनंद स्वरूप अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध सर्वतः परिपूर्ण सत्य स्वरूप परम सुख स्वरूप परम पद एवं तुरीय के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुटे हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप रस गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह सधुर्नी से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शौचादिक कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है, और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वो समाधि है। यही पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता, तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित हैं, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं, ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले सालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकादि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वो मनोभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विविध शालग्राम शिलाओं के लक्षण। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं प्रसंगवश शालग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव नारायण गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न शालग्राम शिलाएं होती हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित होती हैं। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। शंख चक्र गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला केशव पद्म कमोदिकी गदा चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला नारायण चक्र शंख पद्म तथा गदा के चिन्ह से विशोभित शिला माधव और गदा पद्म शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभायमान शिला गोविंद नाम से जानी जाती है। पद्म शंख चक्र गदा से युक्त विष्णु नाम की शंख पद्म गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नाम की
गदा चक्र शंख पद्म से संयुक्त त्रिविक्रम नाम की, चक्र गदा पद्म शंख से चिन्हित वामन नाम की, चक्र पद्म शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की, और पद्म गदा शंख चक्र से अंकित ऋषिकेश नाम की शालग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बार बार नमन है। पद्म चक्र गदा शंख चिन्ह पूरित शालग्राम शिला, पद्मनाभ शंख चक्र गदा पद्मयुक्त शालग्राम शिला, दामोदर चक्र शंख गदा तथा पद्म से संयुक्त शालग्राम शिला, वासुदेव शंख पद्म चक्र गदा चिन्ह से समन्वित शालग्राम शिला, संकर्षण शंख गदा पद्म चक्र से सुशोभित शालग्राम शिला, प्रद्युम्न तथा गदा शंख पद्म और चक्र से शोभित शालग्राम शिला अनिरुद्ध नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम है। पद्म शंख गदा चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की गदा शंख चक्र पद्म चिन्ह से विभूषित अधोक्षज नाम की, पद्म गदा शंख चक्र से विभूषित नरसिंह नाम की, पद्म चक्र शंख गदा से अंकित अच्युत नाम की, और शंख चक्र पद्म गदा से संयुक्त जनार्दन नाम की शालग्राम मूर्ति है। इन देव नामों से अभिहित मूर्तियों को नमस्कार है। गदा चक्र पद्म शंख से अंकित शालग्राम उपेंद्र, चक्र पद्म गदा शंख से युक्त शालग्राम हरि, गदा पद्म चक्र शंख चिन्ह से शोभित शालग्राम श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है, और शालग्राम शिला के द्वारद्वेश पर चिन्हित दो चक्र धारण करने वाले शुक्ल वर्ण वाले भगवान वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नाम को धारण करने वाले हैं गदाधर भगवान विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करें। दो चक्रों से युक्त रक्त अभाव वाली और पूर्व भाग में पद्म चिन्ह से अंकित शालग्राम शिला संकर्षण की मूर्ति होती है, किंतु छोटे छोटे चक्रों वाली तथा पित्त वर्ण की होने पर वो शिला प्रद्युम्न कही जाती है। यही शालग्राम शिला बड़ी तथा छिद्र से संयुक्त शिरोभाग वाली और वर्तुलाकार हो तो उसे अनिरुद्ध नामक शालग्राम मूर्ति कहते हैं, जो द्वार मुख पर नील वर्ण की तीन रेखाओं से युक्त होती है और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से सुशोभित रहता है, वो शालग्राम शिला नारायण शिला के नाम से जानी जाती है। जिस शिला के मध्य में गधा के समान रेखा हो, यथास्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्षस्थल विस्तृत हो, वो नरसिंही नाम वाली शालग्राम शिला है, और इन चिन्हों के साथ ही इसमें तीन बिंदु अथवा पांच बिंदु हो तो वो कपिल नामक शिला है। वो शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका पूजन ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। विषम परिणाम वाले दो चक्रों से चिन्हित शक्ति चिन्ह से युक्त शिला को वाराह शिला कहते हैं। हम सबकी ये रक्षा करे। नील वर्ण वाली तीन रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंदु युक्त शिला कर्म मूर्ति है, और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछे का भाग झुका हुआ है तो वो शिला कृष्ण कही गई है। वो हम सबकी रक्षा करे। पांच रेखा वाली शिला श्रीधर नाम की कही जाती है। गदा से अंकित शिला वनमाली है। ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला वामन शिला है तथा बाएं भाग में चक्रांकित शिला सूरेश्वर की मूर्ति है। विभिन्न रंगों वाली अनेक रूपों वाली नाग के समान फनों से युक्त शिला अनंतक है। स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो तो ये दामोदर शिला है। संकुचित द्वार वाली रक्त वर्ण वाली लंबी रेखाओं वाली छिद्र युक्त एक चक्र तथा एक कमल वाली विस्तीर्ण शिला ब्रह्म शिला है। ये हम सबकी रक्षा करे। विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला कृष्ण शिला तथा विल्वाकार शिला विष्णु शिला है। अंकुश के आकार वाली पांच रेखाओं वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त शिला हयग्रीव शिला है। एक चक्र तथा एक कमल से अंकित मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला वैकुंठ शिला और द्वापर रेखा वाली विस्तृत
कृष्ण सदृश शिला मस्तस्य शिला है, ये हम सबकी रक्षा करे। दाहिनी ओर रेखायुक्त श्याम वर्ण से समन्वित रामचक्र से अंकित त्रिविक्रम नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। द्वारका में स्थित सालग्राम में निवास करने वाले गदाधारी भगवान को नमस्कार है। एक द्वार वाली चार चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समन्वित गोपद से सुशोभित तथा कंदब के पुष्प की आकृति वाली लक्ष्मी नारायण नाम वाली शिला हम सब की रक्षा करे। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं, उनके रूप में वे गदाधारी विष्णु हम सब की रक्षा करें। दो चक्र होने से शालिग्राम शिला की लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है, जिसमें तीन चक्र हैं वो शिला त्रिविक्रम की मूर्ति है, चार चक्र वाली चतुर्व्यूह, पांच चक्र वाली वासुदेव, छह चक्र वाली शालग्राम शिला प्रद्युम्न, सात चक्र वाली शिला संकर्षण, आठ चक्र वाली पुरुषोत्तम, नौ चक्र वाली शिला नवव्यूह, दस चक्र वाली दशावतार तथा ग्यारह चक्र वाली शिला अनिरुद्ध कहलाती है, ये हम सबकी रक्षा करे। बारह चक्रों से युक्त शिला द्वादशात्मा है, बारह से अधिक चक्र की शिला अनंत नाम वाली है। जो मनुष्य इस विष्णु मूर्तिमय स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।